नाबालिग लड़की की नदी में बहते हुए शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप। नमस्कार, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज जनपद से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज अंतर्गत सराय ममरेत थाना क्षेत्र के भेलखा पुल के पास वरना नदी में बहती हुई लगभग 13 या 14 वर्षीय नाबालिग बालिका का संदेहास्पद स्थिति में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। लड़की के गले पर धारदार हथियार से कटे का निशान है। लोग लड़की की हत्या कर नदी में फेंके जाने की आशंका जता रहे हैं। शव मिलते ही समूचे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक नाबालिग के शव की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। आशंका यह भी जताई जा रही कि इस घटना को कहीं बाहर अंजाम दिया गया और फिर उसके बाद शव को नदी में फेंक दिया गया, जो बहते बहते भेलखा के पास देखा गया। शव मिलने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस चौकी जंघई सुधीर पांडे दल बल पुलिस के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं पुलिस द्वारा आसपास गांव के शिनाख्त के लिए भी पूछताछ की गई, लेकिन समाचार तक लिखे जाने तक शव की पहचान नहीं हो पाया। आपको बता दूं कि विगत दिनों भी प्रयागराज जनपद के सटे हुए भदोही जनपद गोपीगंज थाना के अंतर्गत लालापुर टोल नाका के पास लगभग 22 वर्षीय युवती का शव बक्से में जली अवस्था में पाया गया था। इस तरह घटना से क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हैं। बेटियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पर लोग सवाल उठा रहे हैं। खास रिपोर्ट माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज से, राजेंद्र पांडे, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। उधर चलो, ये कंबल नीचे से ले जाना।